करण की पार्टी से हुआ बॉलीवुड में कोरोना विस्फोट। एक साथ 50-55 लोगों को कोविड ने लिया अपनी चपेट में। बॉलीवुड एक बार फिर कोरोना की चपेट में है। हाल ही में एक खबर आई है कि कार्तिक आर्यन और आदित्य रॉय कपूर को कोरोना हो गया है और अब कहा जा रहा है फिल्मी दुनिया के कई और स्टार्स भी कोरोना की जद में हैं। करण जौहर की बर्थडे पार्टी में जाने वाले कई स्टार्स कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर ने कुछ दिनों पहले ही अपना 50वां जन्मदिन बेहद ही शानदार अंदाज में मनाया था। करण ने अपने बर्थडे पर एक ग्रैंड बर्थडे बैश रखी थी। स्टार स्टडेड पार्टी में एक से बढ़कर एक स्टार्स ने शिरकत की थी, लेकिन बी टाउन में हुई इस पार्टी से जुड़ी एक बड़ी और चिंता जताने वाली खबर सामने आई है। खबरें आई हैं कि करण के बर्थडे बैश से एक बार फिर बॉलीवुड में कोरोना विस्फोट हुआ है। जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो करण के बर्थडे बैश से ही एक बार फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कोरोना के संकट के बादल मंडराए हैं। इस पार्टी में करीब 50 से 55 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इस पार्टी में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई लोकप्रिय चेहरे शामिल हुए थे। मुंबई में रखी गई इस पार्टी में आमिर खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, कियारा आडवाणी, जानवी कपूर, मलाइका अरोड़ा और करीना कपूर खान जैसे तमाम सितारे शरीक हुए थे। इन सितारों में से कौन कौन कोरोना की चपेट में आएगी अभी क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में करण की पार्टी से कोरोना फैलने की खबर ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ तो इस पार्टी का हिस्सा बने मेहमानों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर की इस ग्रैंड पार्टी में मेहमान बनकर आए 50 से 55 लोगों को कोरोना हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सितारे बदनामी की डर से अपने कोविड पॉजिटिव होने की बात बता नहीं रहे हैं। बता दें कि करण की पार्टी में शामिल हुए कई स्टार्स को आईफा अवार्ड्स के लिए अबू धाबी भी जाना था, लेकिन इस बार बॉलीवुड से कुछ ही स्टार्स आईफा में शिरकत करने पहुंचे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या इसी वजह से तो ये लोग अवार्ड सेरेमनी से दूर हैं। हालांकि इस खबर से जुड़ी कोई भी जानकारी ऑफिशियली सामने नहीं आई है। वैसे इससे पहले बीते साल भी करण की ही एक हाउस पार्टी से बॉलीवुड में कोरोना फैला था। उस वक्त करण जौहर की हाउस पार्टी अटेंड करने के बाद करीना कपूर खान से लेकर अमृता अरोड़ा समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दरअसल फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल होने पर एक गैदरिंग रखी गई थी। इस हाउस पार्टी में सबसे पहले सीमा खान कोरोना पॉजिटिव हुई थी। सीमा खान भी करण की पार्टी में शामिल थी और उन्हीं से बाकी लोगों को कोरोना हुआ। उस वक्त करण के सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग हुई थी, जिसके बाद करण ने अपनी सफाई भी दी। एक इंस्टा पोस्ट में अपनी सफाई देते हुए करण जौहर ने लिखा, मैंने मेरी फैमिली और घर पर मौजूद सभी लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। भगवान की कृपा से हम सभी कोरोना नेगेटिव निकले। मैंने तो दो बार अपना कोरोना टेस्ट कराया सेफ्टी के मकसद से, पर मैं दोनों ही बार नेगेटिव निकला। मैं शहर को सेफ रखने की बड़ी कोशिश की सराहना करता हूँ। इतना ही नहीं, तब करण जौहर ने अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा था, मैं मीडिया के कुछ मेंबर्स को साफ करना चाहता हूँ कि 8 लोगों की इंटीमेट गैदरिंग को पार्टी नहीं कहते हैं। मेरा घर कोरोना का हॉटस्पॉट नहीं है। बहरहाल, अब क्या वाकई एक बार फिर करण जौहर की पार्टी से ही बॉलीवुड में कोरोना के कदम रखने की बात कितनी सच है, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24।